तो स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आर्की टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा आपकी इस प्रकार से जो टेराबॉक्स में एड्स आती है दोस्तों, उसको कैसे ब्लॉक कर सकते हो और पूरी तरीके से दोस्तों विदाउट एनी एड के अपने किसी भी एंड्रॉइड में टेराबॉक्स की जो वीडियोज है दोस्तों उसको प्ले कर सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब आप टेराबॉक्स का कोई लिंक खोलते हैं या फिर जो वीडियो दोस्तों आप देखना चाहते हैं वो खोलते हैं दोस्तों, आपको हद से ज़्यादा एड्स आने स्टार्ट हो जाती है, 5-6 एड्स, या फिर दोस्तों कभी आपको प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर देता है या फिर कहीं पे वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देता है, जो कि दोस्तों बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। उस चीज़ को दोस्तों आप बहुत ही आसानी से फिक्स कर सकते हैं विद इन 3-4 मिनट। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है। सेटिंग्स ओपन करने के बाद दोस्तों हर एक डिवाइस की सेटिंग्स अलग रहती है, इसके लिए दोस्तों सिंपली से आपको अपने डिवाइस की सेटिंग्स के सर्च बॉक्स पे चले आना है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर में आपको सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स के सर्च बॉक्स पर दोस्तों सिंपली से यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है प्राइवेट DNS। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट DNS जैसे ही सर्च करेंगे आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्राइवेट DNS का। इसको दोस्तों सिंपली से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेलेक्ट प्राइवेट DNS मोड का। तो ये दोस्तों आपका पहले ऑटोमेटिकली मोड पे सेलेक्टेड रहेगा, सिंपली से आपको इसको कर देना है DNS प्रोवाइडर होस्ट नेम पे क्लिक। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट DNS पे आपको क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहां पर आपको उस होस्ट नेम का नेम टाइप कर देना है, वो नेम है दोस्तों हमारा dns.edguard.com। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं क्या स्पेलिंग मैंने यहाँ पर टाइप करी है। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए, आपको सिंपली से ये जो DNS है दोस्तों वो यहाँ पर टाइप कर देना है, सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। देन यहाँ पर से सेटिंग से हो चुका है आपका काम कंप्लीट। अब दोस्तों सिंपली से आपको बैक आ जानी है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको सिंपली से जो प्ले स्टोर है दोस्तों उसके ऐप इन्फो पे चली आनी है। जी हाँ दोस्तों, प्ले स्टोर पर लॉन्ग प्रेस करना है। देन दोस्तों आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐप इन्फो पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर से कुछ इस प्रकार से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेंटर में डिसेबल का। जी हाँ दोस्तों, हर डिवाइसेस में अलग अलग ऑप्शन रहती है, अलग जगह ऑप्शन रहती है दोस्तों, आपको सिंपली से डिसेबल का ऑप्शन चेक कर लेना है। देन दोस्तों डिसेबल पे क्लिक कर देना है। डिसेबल पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको जो प्ले स्टोर है वो दोस्तों कुछ समय के लिए डिसेबल्ड हो जाएगा। आपको दोस्तों जब वीडियो आप देख डालेंगे देन दोस्तों उसको आप बहुत ही आसानी से एनेबल कर सकते हैं। इससे दोस्तों क्या होगा, आप बार बार प्ले स्टोर में रीडायरेक्टेड नहीं होंगे। देन दोस्तों यहां पर से मैं अपना जो वीडियो है दोस्तों यहां पर से ओपन कर लेता हूं। टेराबॉक्स का लिंक है दोस्तों, सिंपली से मैंने लिंक पर क्लिक करा। देन दोस्तों यहां पर से मैं चला आ गया यहां पर टेराबॉक्स के एप्लीकेशन में। देन दोस्तों अब आप देखिएगा मेरे को एक भी एड नहीं आने वाली है। मैं बहुत ही आसानी से दोस्तों इस वीडियो को प्ले करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसको मैं कर देता हूं सिंपली से कट। कट आप जैसे करेंगे दोस्तों आप देखिए टेराबॉक्स शेयर में हमारा जो वीडियो है दोस्तों यहां पर से सक्सेसफुली यहां पर से लोड ले चुका है। डायरेक्टली दोस्तों मैं यहां पर से प्ले के बटन पे क्लिक करता हूँ। प्ले के बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों ये देखिए ट्यूटोरियल तो आता ही है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारा वीडियो बहुत ही आसानी से प्ले हो चुका है विदाउट एनी एड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं वीडियो को यहाँ पर थोड़ा आगे भी बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे को एक भी एड नहीं आई है इस वीडियो को प्ले करते वक्त, तो बहुत ही आसानी से दोस्तों 100% जेन्युइन तरीका किसी भी एंड्रॉइड में इस मेथड को आप ट्राई करके जो टेराबॉक्स में एड्स आती हैं उनको बहुत ही आसानी से आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि इसी प्रकार की कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।